जिंदगी में काम तो और भी हैं तमाम, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन जब रिश्ता टूट जाए, संबंध खराब हो जाए, दिल बैठने लग जाए, जब दिल के रिश्ते बहुत अस्त व्यस्त हो जाएं, जब आपके अपने रिश्ते, आपके संबंध, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, आपका विवाह जब पूरी तरह से खराब होने लग जाए, तो आपको पता है सब खत्म हो जाता है। एक इंसान कम से कम अपने जीवन में प्रेम चाहता है, एक इंसान कम से कम अपने घर में सुकून चाहता है। एक पक्षी भी पूरा दिन बाहर रहने के बाद शाम को अपने घरौंदे में जाना चाहता है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? अगर आपका रिश्ता रिलेशन ठीक नहीं है तो किसके पास, किससे बात करें, किससे मन हल्का करें, कहाँ चीजें ठीक करने जाएं? तो बस भटकना बंद करिए। आपका रिश्ता, आपका रिलेशन तत्काल ठीक किया जा सकता है। दो चुटकी नमक की आवश्यकता है मात्र, इसमें ही सब ठीक हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश समस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शत प्रतिशत आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपके जीवन में प्यार के रिश्तों को, रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से समझ के आपको मदद किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम ऐसा पिछले 20-21 सालों से कर रहे हैं और अभी तक यहां जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 21 लाख है। और हाँ, सक्सेस रेट 95% प्लस है, और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, प्रसिद्ध बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। हर बार रिसर्च करके कोई नई बात, कोई अनुभूत बात, कोई ऐसी रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है जिससे आप लाभान्वित होते हैं। पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार हम आपके सामने स्वाभाविक रूप पर लाइव होते हैं और इसमें हम हर हाल में प्रयत्न करते हैं आप जीत जाए, आपकी यात्रा सफल हो जाए। आप जैसे भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। बहुत जगह भटकने के बाद अगर आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब ये परमात्मा की बड़ी इच्छा है, ईश्वर की बहुत बड़ी मनसा है कि आप जीत जाए। आज हम कह रहे हैं कि एक चुटकी नमक से आपका रिश्ता बच सकता है, एक चुटकी नमक से आपके अपने रिलेशंस में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, एक चुटकी नमक से आपके अपने रिश्तों में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में, अरे भाई जहां से तुम्हें प्रेम मिलता है, जिस वजह से तुम ठीक होते हो, जिस वजह से तुम मुस्कुराते हो, जिस वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियां आती हैं, जिस वजह से तुम सुबहतर हो जाते हो, वो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और हाँ, तुम्हें मुस्कुराने का फिर से अवसर मिलेगा। वो तुम्हारा चंचलपन, वो तुम्हारा हंसना, वो तुम्हारा ठुठकना, वो तुम्हारा फिर से बच्चा हो जाना, वो फिर से मौन साध लेना, इन सारी की सारी विषमताओं से तुम मुक्त होकर बेहतर हो जाओगे। आपकी चंचलता अभी जिंदा है तो मतलब तुम जिंदा हो। अगर आप में अभी बच्चा है तो तुम जिंदा हो। अगर आपके जहन में अभी भी खेलने का, मुस्कुराने का, चहकने का मन है, आपकी अपनी पायल की रुनझुनों और उसकी नूपुरों में अगर धुन है अभी, तो आप जिंदा हैं। बस अभी बहुत देर नहीं हुई, फिर से अपने आप को संभालो, जीवंत हो जाओ और इस बात को ठानो कि तुम्हें ठीक होना है। क्योंकि ठीक होने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है अगर कोई, तो वो तुम हो। सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारी तुमको ही है, बाकियों को सब बाद में है। मैं कहता हूं ग्रह में, नक्षत्र में, हस्त रेखा में, मस्तक रेखा में, कुंडली में, नौमांस में, चलित में, जहां पर भी दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगी। पहले मरीज ठीक होना चाहे। एक बार एक किसी साधु के एक संत को बीमारी हुई, उस आश्रम के बच्चों ने ले जाकर के डॉक्टर के पास रखा उनको, डॉक्टर इलाज किए जाए और वो ठीक ही ना हो। डॉक्टर ने एक दिन आश्रम के सभी लोगों को बुलाकर कहा कि स्वामी जी स्वयं ठीक होना चाहते ही नहीं हैं। उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनकी आत्मा सपोर्ट नहीं कर रही है हम लोगों को। जब तक शरीर रिस्पॉन्सिव नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता।
रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं बाहर से नहीं, अंदर से उत्पन्न होती और अंदर से आती है। और यह सब तब संभव होता है जब आप स्वयं जीवंत होते हैं, ये तब संभव होता है जब आप खुद चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। चाहत वॉन्ट केवल विवशता नहीं है, विवश होकर के, हताश निराश परेशान होकर के, केवल और केवल समस्याओं के वशीभूत होकर के आप कोई कृत्य कर रहे हैं, ये केवल काम नहीं है। वॉन्ट एक स्वेच्छा को जन्म देती है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही चाहत जीत की जननी है। मिल चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक गुरु किसी को शिक्षित कर सकता है, साक्षर कर सकता है, संभ्रांत कर सकता है, स्किल दे सकता है, लेकिन भैया जो विल है ना वो उत्पन्न करनी पड़ती है। हम तुम्हें स्किल दे रहे हैं, आप अपना विल दीजिए। विल हम दोनों पूरा कंबाइंड होकर बेहतर काम कर पाएंगे और तुम जीत जाओगे। मैं रोज कहता हूं तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। ये सब बात केवल कहने के लिए थोड़ी है, ये तुम्हें करने के लिए है भाई। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम ठीक होगे, तुम बेहतर होगे, तभी कुछ ठीक होगा। मैं अभी के अभी इसी क्षण इसी पल तुम्हें दे सकता हूं तुम्हारा प्यार, तुम संभाल पाओगे क्या? और जरा सोच कर देखना, बड़ी बातें मत करना। अगर तुमने संभाला होता तो जाता ही कैसे? तुम संभाल सकते होते तो छूटता ही कैसे? कमी तो है ना तुम में। तुम जो चीज संभाल नहीं पाते उसे परिस्थितियों पर डालकर, दूसरों की गलतियां निकालकर, खुद को बाहर निकालकर खड़ा कर लेते हो और कहते हो हम ही ठीक है। ना 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 ना, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। तुम ठीक हो जाओ फिर देखना, सच मानना। तुम्हारे जीवन में अभी तक लाखों लोग ऐसे ही ठीक नहीं हुए, वो इसीलिए ठीक हुए क्योंकि वो हमारी बात समझते हैं और मानते हैं। तुम इसलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, तुम बस एक ही दिशा में भाग रहे, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ये माला करने से काम नहीं होगा, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। मुझे मोहन भोग खाना है नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास करने होंगे, उसके लिए प्रयत्न करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ हूं और हर हाल में तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं वो गुरु हूं जो तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं ही तुम्हारा एग्जामिनर हूं, मैं ही तुम्हारा मूल्यांकन करने वाला हूं, मैं ही तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला हूं और मैं ही तुम्हें पहले ही दिन कह रहा हूं तुम जीत जाओगे, तुम पास हो। परंतु तुम सिर्फ इतनी बात तो कह दो कि मैं पीछे पीछे चलता रहूंगा जब तक ठीक नहीं होता, इतना कह दिया तो समझो तुम जीत गए। बहुत सारी बातें हम फिर करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। आज तो एक चुटकी नमक से तुम्हारे जीवन को ठीक करने की बात कर रहा हूं। आज तो मैं कह रहा हूं बस एक चुटकी नमक से तुम्हारी अपनी बहुत सारी चीजें तत्काल ठीक हो जाएंगी। अरे भाई नमक इश्क का क्या सच में ऐसा कुछ होता है? नमक में कोई तो बात होगी, जिसका नमक खा लिया, नमक हलाल, नमक हराम और जने क्या 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 क्या, नमक में कोई तो बात होगी। नमक अगर पोछे में डालकर नृत्य ओछा लगाया जाए नमक से तो कहते हैं घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। वॉशरूम में अगर नमक रखा जाए तो कहते हैं आपके घर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और नकारात्मक समाप्त हो जाती है। अपने आसपास नमक रखकर सोने से निद्रा अच्छी आती है, एंजाइटी, अमाद प्रमाद, अवसाद समाप्त हो जाता है। नमक के हजार लक्षण हैं। आज एक नया लक्षण आपको बता रहा हूं, उससे प्रेम पाया जा सकता है। सीधा उसकी बात करेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया और मेरी शादी भी हो गई। आपके यहाँ से पूजा करवाई तो मैं, हमारे लिए ऐसी आशीर्वाद देना और आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और तुम खूब खुश रहो। आगामी जीवन तुम्हारा, दाम्पत्य लाइफ तुम्हारा, पारिवारिक आगे का लाइफ बहुत सुखद और बहुत बेहतर आनंदित हो। इस यात्रा में सारी की सारे धन्यवाद तुम्हें वापस कर रहा हूँ। तुमने चुनाव किया, तुमने आगे बढ़ करके प्रयत्न किया, प्रयास किया, हर उपाय किया, अपने आप को
धीरज में बांधे रखा और विश्वास से आगे बढ़ते रहे और सफल भी हो गए। इन सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद। आपकी सफलता हमें यश दिलाती है। बहुत शुक्रिया आपका। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023 समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला नई बस्ती नारायणपुर पचरुखिया ग्राम पंचायत दीघार बीखा बेलरी थाना रेवती बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब सीधे हम बात कर रहे हैं आपके एक चुटकी नमक से आपका जीवन ठीक हो सकता है। एक चुटकी नमक से तंत्र मंत्र समाप्त किया जा सकता है। एक चुटकी नमक से मैंने कई बार बताया है ना, रात्रि में एक बर्तन में एक कांच के बर्तन में एक चुटकी नमक रख के अपने ऊपर से उतार के अगर कमरे में रख दें जिसमें आप सो रहे हैं और सुबह तक उसमें कोई परिवर्तन आ जाए तो समझना कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। ये सब चेक चेक करने की बातें मैंने पहले बहुत बताई हैं। आज मैं बता रहा हूं कि नमक से वापस कैसे पाया जा सकता है, नमक से किसी को फिर से अपना कैसे बनाया जा सकता है, नमक से जीवन को बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, वो तरीका आपको बता रहा हूं। आपको करना ये है कि एक कागज के ऊपर एक अष्टकोणीय पुष्प बनाना है। जैसे सितार बनता था ना, स्टार बनाते थे, एक लाइन ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक नीचे आई, एक ऊपर गई, स्टार बनता है। जिस प्रकार से उस स्टार को आठ कोने का बना देना है, अष्टकोणी स्टार समझ लीजिए, ऐसे बनाना है। स्टार की हर टॉप के ऊपर एक एक जोड़ा लॉन्ग, अपना और अपने पार्टनर का एक साथ नाम लेकर फूंक मार मार के रख दीजिए। मिडिल में दो इलायचियां रख दीजिए, उन इलायचियों में ओम क्लीम गौरी शंकराय नमः बोलकर रख दीजिए। अब उसके बाद एक चुटकी नमक लीजिए और बाएं हाथ पे रखिए और जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको रिपीट कीजिएगा। क्या कह रहा हूँ? ओम हृदयस्थम वशम मह्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये बात कह 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 तीन चुटकी नमक अपने हाथ में लीजिए और जहां पर आपने इलायचियां रखी हैं वहां पर गिरा दीजिए। इन सारी की सारी चीजों को कुछ देर के लिए वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके पश्चात इसकी पूरी पुड़िया बनाइए, अपनी हाइट के बराबर का कलावा नाप करके, कलावा मतलब जिससे रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं उससे उसको लपेट दीजिए। अब इसे दहकते हुए अंगार में डाल दीजिए, इसे स्वाहा हो जाने दीजिए। ये ऐसा यज्ञ है, ये ऐसा हवन है, ये ऐसा वो काम है जिससे तत्काल प्रभाव से आपका पार्टनर आपका हो जाएगा और इसमें बिल्कुल देरी नहीं लगती, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, सीधा आपका बेनिफिट है, बशर्ते आपका भरोसा विश्वास यकीन गुरु के चरणों में होना चाहिए। गुरु भक्ति इसमें बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि गुरु का आदेश और गुरु की तपस्या का बल बहुत काम करता है हर उपाय में। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम जीत जाओगे, तुम्हारी लाइफ 100% ठीक होगी, तुम हर तरह से सफल हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस तुम नकारात्मक रहो, रोना मत, उल्टा सीधा मत सोचना, बस सिर्फ मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ख्याल रखो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023 समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला नई बस्ती नारायणपुर पचरुखिया ग्राम पंचायत दीघार बीखा बेलरी थाना रेवती बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक।
इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सदगुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9963660125। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।